आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन करी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से जिसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, वेलकम टू आज इज़ फूड एंड इन्फो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटन और इसे मैंने मीडियम साइज़ में कटवा लिया था और इसे मैंने दो बार अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हमें मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के प्याज और इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसे खोल लिया है। इसे इसमें हम मिला देंगे। साथ में ले लेंगे 15 से 20 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे मैंने कूट लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 साबुत लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे 15 मिनट रेस्ट पर। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक कुकर और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल 4 बड़े चम्मच। इसे हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। इसमें हम डालेंगे पहले कुछ खड़े मसाले। मसालों में मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी और 1 जावेत्री। अब तेल के अच्छी तरह से गर्म होने पर सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे और 30 सेकंड के लिए इसमें हम इसे पकने देंगे जिससे सारे फ्लेवर तेल में आ जाएं। अब इसमें हम डालेंगे हमारे मैरिनेट किए हुए मटन को। अब गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे। लगभग 5 मिनट मैंने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे हमें ढक कर पकाना है मीडियम फ्लेम पर। अब बीच बीच में ढक्कन को हटाकर हमें मटन को अच्छी तरह से भूनते हुए जाना है। आप देखेंगे इसमें से पानी बाहर आने लगेगा, तो जब तक पानी मटन से सूख ना जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनते हुए रहना है। लगभग 10 मिनट इसे और भुनने के बाद आप देखेंगे इसमें से पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और तेल बाहर आने लगा है। इसी टाइम पर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मटन मसाला और साथ में 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी कुछ देर के लिए हमें भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके अनुसार पानी इसमें मिला सकते हैं। अब इसे बॉईल करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी जायफल, इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ। अब कुकर के ढक्कन को लगा लेंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी और लो फ्लेम पर 2 सीटी इसके हमें लगाने हैं। अब कुकर से पूरी हवा निकल चुकी है, इसे हम खोल लेते हैं। देखिए हमारी मटन बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया की पत्ती और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि मटन भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसे आप सर्व कीजिए चावल या चपाती के साथ। तो एक बार इस तरीके से मटन बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।